इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। हम यहां पहुंचे हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में और ये सीएम सिटी है। और यहां मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां एक गरीब, निहायत गरीब परिवार जो है हमारे साथ आज यहां मौजूद है और इनकी क्या कहानी है, क्या दशा। मैं दिखाना चाहता हूं कि पहले ये परिवार इतने गरीब है कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में ये बसर कर रहा है और जो अपनी गरीबी में अपनी मजदूरी करके ये अपने परिवार को पालते पोसते हैं। बड़हलगंज थाने का एक मैटर है और इनके साथ एक घटना घटित हुई है और कोई लड़की जो है इनके साथ जो है शादी हुई है और शादी क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, ये साथ मौजूद है। ये जानते हैं, स्वतः उनसे बयान लेते हैं क्या घटना है, किस घटना के कारण जो है ये कुछ दिन थाने में थे। क्या नाम है? देवानंद मेरा नाम है जी। आप के साथ क्या घटना घटित हुई है जो बयान बाजी रहने वाले कहाँ का पता है? तुरकोलिया का रहने वाला, थाना बड़हलगंज, जिला तहसील गोला, जिला गोरखपुर। आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? हमारे साथ घटना घटित हुई है कि हम लड़की के साथ अपने मर्जी से, वो लड़की की मर्जी से शादी किए, कोर्ट मैरिज। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम पूजा है। रहने वाली कहाँ की है? तिरकोलिया का रहने वाली है। क्या दोनों लोग एक ही ग्राम सभा के? दोनों एक ही ग्राम सभा के लड़के हम लोग। क्या आप कुछ दिन पहले जो थाने में गए थे, क्या कारण है, किस कारण से आप थाने में? हम लोग थाने में, हम लोग को बुलाया गया था बयान लेने के लिए। उसके बाद बुला करके हम लोग को बयान लेने के बाद थाने में बैठा गया 8 दिन तक। उसके बाद शाम को टाइम में 24 के क्यों बैठाया गया था? ऐसे हमको पूरा पता ही नहीं चला कि हमको क्यों बैठाया गया। वो इसी तरह बैठा कर हमको इतना दिन तक रखे। शादी का प्रकरण है? शादी का प्रकरण में हमने बोला कि हमने शादी कोर्ट मैरिज करवा लिया है। कहाँ से कोर्ट मैरिज करवाया? गोरखपुर सदर। गोरखपुर से सदर से हमने कोर्ट मैरिज करवाया लड़की के अपने मर्जी से। उसके बाद हम लोग आए, दोनों लोग राजी थे, दोनों लोग हम लोग राजी थे। उसके बाद हम लोग चौकी पे बुलाया, आने के बाद हम लोग उसकी माँ बाप सब लोग पहुँचे, उसका भाई पहुँचे। उसके बाद पूछताछ हुआ, वो बोले कि उसकी माँ भाई बोले कि चलो घर पे शादी वादी कर देंगे। वो बोले कि हम नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद प्रशासन हमको ले जाकर छोड़ दिया रुद्रपुर में। रुद्रपुर छोड़ने के बाद उसके बाद दो दिन के बाद हम चले गए गोरखपुर। गोरखपुर से हम गाड़ी पकड़ के बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में 3 महीने तक रहे। रुद्रपुर क्यों छोड़ा गया आपको? वहाँ हमारी रिश्तेदारी है, वहाँ रात हो गया तो रात में हमको वहाँ छोड़ दिया गया। सुबह में उसके बाद निकल गए गोरखपुर जाने के बाद। हम वहाँ से गोरखपुर गए, गोरखपुर से बेंगलोर गए। बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पर 3 महीना काम किए। 3 महीना काम करने के बाद उसकी किसी तरह दीदी का नंबर मिल गया। उसकी दीदी का नाम है आरती, उसका जीजा का नाम है अमरनाथ। उसके बाद वहाँ पर हम गए दिवाली के बाद गए। उसके बाद वहाँ पर 10 दिन रुके। 10 दिन रुकने के बाद से बोले कि चलो पूजा चल चलते हैं। उसकी दीदी बहुत बोली कि तुम लोग जब शादी किए तो नहीं पूछे किसी से, अब क्यों जा नहीं रही हो? तो वो बोली कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो हमने बोला कि चलो चलते हैं। तो बोली उसकी दीदी कि रहने दो एक आध महीना, उसके बाद हम ले सकते तुमको, या तो पहुँचा देंगे या तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम वहाँ से बेंगलोर चले गए। बेंगलोर जाने के बाद वो घर पे उसका भीम आया गोवा से, उसके बाद ले आकर के। भीम कौन है? भीम उसका माझिल भाई है। वो फोन करने के बाद पता चला कि उस भीम आया गोवा से तो लेकर घर पे अपने लेकर चला गया। उसकी दीदी बोली, उसका जीजा भी बोले, अमरनाथ और आरती। कितने दिन की घटना है आगे देखो, कितने दिन की घटना है? बेंगलोर आप गए थे कितने दिन पहले गए थे? ये घटना कितने दिन हो गया? 2-3 महीने? 5-6 महीना हो गया। 6 महीने? हाँ, 6 महीना ये घटना हो गया। और लड़की गोवा गई, गोवा से जो है? नहीं, गोवा नहीं, वहाँ जालना में थे, यहाँ कर्नाटक पुणे के पास में थे। वहाँ से उसके बाद बेंगलोर गोवा में उसका भाई रहता था, वहाँ से ला करके उसका भाई लेकर घर पे चला आया। उसका दीदी भी बोले कि घर पे वो पूजा को घर लेकर चला। लड़की कहाँ? इस समय उस परिवार मेरा खोजने पर हम बहुत दिन से पता लगा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। उसके घर पे भी नहीं है, उसको जहाँ भी रखे हैं छुपा कर रखे हैं। उसके बाद झूठा हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा कर उसको डाला फुसला कर हड़का करके उसको मुकदमा हमारे खिलाफ लिखवा रहे हैं। हम पैसा कौड़ी का कोई बात नहीं है, हम लोग का दोनों मर्जी से शादी अपने मर्जी से किए थे। क्या कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी है उसका?
हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है और उसका फोटो शोटो वीडियो भी है, हमारे साथ में रही, हमारे साथ खाई पी बैठी है और सब कुछ रही है। क्या किन कारणों से, क्या लगता है आपको, किन कारणों से जो है लड़की जो है बयान बदल दी है और कह रही है कि जो है वो हमारे साथ है, आपके परिवार को कोई जो विद्यार्थी करके है, रामदर्श विद्यार्थी को जानते हैं क्या? नहीं, रामदर्श विद्यार्थी को हम नहीं जानते, अभी तक भेंट नहीं हुआ, ना अभी तक नहीं देखे हम रामदर्श विद्यार्थी को। उनको झूठो झूठो पैसा का बहाना देकर बोल रहे हैं कि 2.5 लाख 2 लाख रुपया, ऐसा कुछ नहीं है, हमको 1 भी रुपया ना, हम उनको देखे भी नहीं आज तक, तो हम कहाँ से पैसा लेंगे जी। साथ जो है इनके पिताजी भी मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद है, आइए जानते हैं कि इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है? थाना कौन सा है? बड़ालगंज। क्या आपके द्वारा, ये आपके बेटे हैं? हाँ। क्या नाम है? क्या नाम है? देवानंद। इनका एक थाने में प्रकरण आया है, एक मामला आया है, जो कहा जा रहा है कि जो है कोई रामदर्श विद्यार्थी है, वो कह रहे हैं कि आपके परिवार को 2.5 लाख रुपया दिए। हमको एक पैसा नहीं मिला है, न हम पैसे उनको देखे हैं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं रामदर्श विद्यार्थी को हम देखे हैं। क्या उन, ये सारा बयान जो है झूठा है? हाँ, सारा बयान झूठा है, हम लोग उनको चेहरा भी नहीं देखे हैं आज तक। झूठा करके आपको फंसाया जा रहा है? झूठा हम लोग को फंसाया जा रहा है। आपकी एज क्या होगी? क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 65 साल। 65 साल उम्र है। देखिए 65 साल ये चाचा जी का उम्र है, और इनके द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि इनके जो भी फंसाया जा रहा है 2.5 लाख रुपया, जो भी बयान दे रहे हैं विद्यार्थी जी, और इन ये कह रहे हैं कि हमारे परिवार को इस तरह का कोई भी दिया पैसा नहीं मिला है, और निहायत इनको जो है फंसाया जा रहा है इनके परिवार। क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाली हैं? थाना का मामला बा जो आपके सामने आवत भाई। हमारे सामने घटना आयल भाई, ये जो हम झूठे झूठे आदमी लगावता जोन आपके यहाँ जोन लड़का के आपके फसावल जात बा। हाँ। कहल जात बा इका है मने झूठा है। हाँ, झूठे है। अच्छा, झूठा कहल जाता। हाँ। रामदर्श विद्यार्थी जानते हैं? नहीं। जोन आपके कहल जात बा की 2.5 लाख रुपया आपके परिवार के? हम नहीं की जानत, न देखले नहीं की। अच्छा, ये खाली जोन है झूठ फसावल जाता आपके परिवार के? ईसाई है। क्या कही है पुलिस आई तो बोली कि भाई वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? हमने बोला भाई लड़का बाहर रहा है, तो कब बोली कि बुलाओ लड़की को। जो ये बयान दे रहे हैं कि वो लड़की जो है इनको इनके साथ जो शादी हुई है, क्या आपको इस बारे में पता था? नहीं। शादी के बारे में पता नहीं, था? नहीं, नहीं, एकदम नहीं पता नहीं, था आपको? नहीं, 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 नहीं सर। शादी हो जाने के बाद फिर पता चला, जब पुलिस चौकी पर लोग आए तब हम लोग को जानकारी हुई कि ये लोग शादी कर ली। लड़के अभी आपका लड़का आपको बताया भी नहीं था? नहीं, इस शादी के बारे नहीं। में परिवार के ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है, क्या आप अपने जिले के आला अफसर से क्या कहना चाहते हैं? हम जिले के अफसर से ही कहना चाहते हैं कि हम इस मामले में कुछ नहीं जानते हैं, ये मामले ये चीज से हमको बरी कर दिया जी। क्या आप लोग निर्दोष हैं? हम इसमें हम लोग निर्दोष हैं, उन लोग को फर्जी फंसाया जा रहा है। किसी तरह से आपको इस मामले में कोई मतलब मालूम नहीं है? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। निहायत जो है इस लड़की के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो फंसाने का काम है, जो बयान दिया जा रहा है और लिखा गया है वो सारा फंसाने के लिए हम लोग को दिया जा रहा है, लिखा गया है। कितने दिन तक आप थाने में रहे हैं? एक हफ्ता तक रहे हैं थाने में। किस बिंदु पर आप थाने में आपको पुलिस पकड़ के ले गई? बुलाकर जैसे चौकी पे फोन आया था कि तुमको गोला जाना है, और सीओ साहब के ऑफिस पर बुलाया गया कि आपको बयान लेना है। बयान लेने के बाद जब सीओ साहब बयान लेने के बाद हमको ले जाकर थाने में गोला थाने में बैठा दिए। बैठाने के बाद बोले कि यहीं पर बैठो। उसके बाद घर वाले गए तो कुछ बोले नहीं जाने। कितने दिन तक बैठाया गया? एक हफ्ते तक बैठाया गया था। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमको छोड़ा गया। सीओ साहब आए, पूछे कि तुम इसको जानते हो, रामदर्श विद्यार्थी को जानते हो? हम बोले नहीं साहब, हम नहीं जानते हैं। तो बोल रहे कि लोकेशन उनका बता रहा है कि तुम्हारे साथ में है। तो हम बोले कि जब लोकेशन आपको बता रहा है तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, हमको क्यों आप इतना दिन से बैठाए हैं? उसके बाद चले गए थाने में। जब आप थे कभी रामदर्श विद्यार्थी और थाने में गए? नहीं साहब, रामदर्श विद्यार्थी आज तक नहीं गए। आज तक उन्होंने देखा है आपको? आपने देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा है जी। अब जो मैटर आपके वहाँ है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं?
इस विषय में हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारे पास आए और किसी तरह हमारी पत्नी हमारे पास आए। हम चाहते हैं कि किसी तरह की प्रशासन हमको खोज को उसको पूजा को लेकर आए हमारे पास हमको छोड़ दे। शासन प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? शासन प्रशासन से गुहार लगाना हम नहीं बोलिएगा। शासन प्रशासन से ही गुहार लगाना चाहते हैं कि किसी तरह हमारी पत्नी को लाकर हमारे दरवाजे पर छोड़ा जाए। हमारी पत्नी को इतना दिन से गायब करके रखे हैं, हम इतना दिन से पता लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। वो आपकी पत्नी है और जो है इतना घटना लगा दिया, इतने जो है धारा लगाई है, ये कहाँ कैसे लगाई है इसके विषय में आपको जानकारी है? इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है लेकिन इसको जबरदस्ती डाला फुसला कर किसी तरह उसको बयान दिया हुआ करके जबरदस्ती धारा हमारे ऊपर हमारे खिलाफ लगवाया जा रहा है फर्जी। ये सारा फर्जी है? जी सर, पूरा फर्जी है। जी जी सर, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग इस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि किसी तरह हमारी पत्नी को लाकर हमारे सही सलामत हमारे दरवाजे पर छोड़ दिया जाए। क्या नाम है? तेज बोलिए। इस घटनाक्रम के बारे में कुछ जानकारी है? जी सर, हमको नहीं मालूम था। ये आपके क्या लगते हैं? हमारे ये देवर हैं। इस विषय में आपको बताए थे कुछ? नहीं सर, हमको तो नहीं बताए थे लेकिन जब बाद में पता। शादी की जानकारी कब हुई? सर हम लोग 5-6 महीने के बाद पता चला। पता चला जी? पुलिस आई थी तब? हाँ सर आई थी। इस विषय में पता चला है? जी हाँ, पता तो चला तो यही हम लोग कहें कि सर हम लोग गरीब आदमी, हम लोग मैरिज किए हैं। जी हाँ सर, कोर्ट मैरिज भी किए हैं, शादी सब किए हैं। शादी किए हैं? हाँ सर, यही कहने का यही मतलब है हम लोगों का कि हम लोग गरीब आदमी हैं सर, झूठे झूठे। रामदास को जानती हैं आप? भी आप रामदास को जानती हैं? नहीं सर, हम लोग जानते भी नहीं हैं। जो आपके द्वारा परिवार को आप ब्लेम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए मिला हुआ है? नहीं सर, ये गलत बात है। अभी तो हमारी शादी 4-5 साल हुआ, हम लोग तो देखते भी नहीं है उनको, ये सब झूठा एग्जाम लगाया गया है। कभी आपने आपके परिवार से कभी यहाँ से मुलाकात वगैरह नहीं? जी सर नहीं, अभी नहीं, हम लोग खुद ही नहीं निकलते, इधर उधर कहीं जाते भी नहीं, हम लोग को नहीं पता है। देखिए, हम यहाँ आए और यहाँ जो है, यहाँ परिवार जो है निहायत गरीब परिवार है और केवल मजदूरी और के भरोसे जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनके द्वारा जो है एक मामला सामने आया है जो पुलिस के स्थानीय पुलिस यहाँ जो विषय है और अफसर से ये गुहार लगाए हैं कि जो पे जो धाराएं लगी है वो निहायत गलत है और उसको कहीं ना कहीं जो है इसको कार्रवाई जो है निस्तारण करने का कार्य किया जाए। इंडियन टीवी न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।